सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। बेवफाई के आरोपों से घिरी उत्तर प्रदेश के SDM ज्योति मौर्य ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आज यानी 2 जुलाई को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक ऐसा पोस्ट किया है जो कि बवाल खड़ा कर सकता है। दरअसल इस पोस्ट में उन्होंने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम को भी घसीट दिया है। सबसे पहले तो आप देखिए कि अपने फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने क्या लिखा है। पति के सिवा किसी और से प्रेम करने की प्रेरणा मुझे भगवान कृष्ण व पति छोड़ने की प्रेरणा मुझे भगवान श्री राम से मिली। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह जो फेसबुक अकाउंट है वो ज्योति मौर्य का ही है, लेकिन इसमें जो फेसबुक प्रोफाइल पिक लगी हुई है वो ज्योति मौर्य की ही है। ये ऐसी बातें हैं जो समाज में विद्वेष पैदा कर सकती है। इसका असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच एक तीसरे व्यक्ति को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो आइए आप भी सुनिए वो ऑडियो। 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं। हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम शिकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कर सकते हो, आप मर जाएंगे, मानवा दीजिए। आप सभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है तो चलो अच्छी बात है। हमने शुरुआत किया था, तुम भी तो दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है? करो, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए तो बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। इसीलिए आपने नहीं बताया। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे ये भी प्रो बता दूं, मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे पता है? कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। ADM के नाम से नहीं, ACM के नाम से। हाँ, पता है आप नंबर रखते हो, ये सब तो काम है। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो। तो आप किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। आजा पसंद की नहीं है? नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोर भी था तो इतने मेरे, अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे से इतना हक था तो बोलते हक से। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था। हाँ, नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना, सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहते थे। आप ADM ACM के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हूँ कि ACM का फोन रात को आएगा, ACM साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना सामने वाला सही था तो। आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं नहीं, तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करियो सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, एक मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला? वो जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला होगा। हो, अच्छा कौन होगा, कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी। फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए। हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुँच गया हूँ, और क्या, जो पता था।
सोचे मुझे नहीं पता ज्योति जी, मुझे सब पता है कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है यार। यही हम पता है पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको तो आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहे नहीं बात करेंगे। अच्छा। क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। नहीं क्यों, यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दो? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा, आप कहोगे आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है, उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती, ब्लॉक करने की जरूरत होती। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ, कलेक्ट्रेट आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही हूँ, कल कलेक्ट्रेट में आए फोन किए हम, तो पूछ लेना। चलिए हमको न बताइए जहाँ थी, आपको भी पता है मुझे भी पता है ज्योति जी, तीन बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। हाँ भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाश दे रहा हूँ, ये बात अच्छी ना? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाश दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाश दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी बच्चों के लिए चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति हूँ, पति था, पति बने रहा, मर जाओगे मर जाएंगे, मरवा दीजिए, हम नहीं मरवाएंगे, अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, हम क्यों मरवाए, हम मर जाओगे? नहीं हमने, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाए हो, टैक्स मांगने से टैक्स कितना लेके आए थे तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना, सब पैसा दिए थे कम लाए थे तभी, तभी तो कम लाए थे, तुम्हारा खाना देते थे 5,000, उस दिन देखो हमारे पास वीडियो कार में आपके पापा कहते ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग, बिल्कुल 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 5,000 चढ़ाया थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, चलो हमको हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लगा दो अभी ना, नौकरी नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे फरहाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम सब भी कमा खा लेंगे, शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा रही हो, हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे साथ नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी, तो देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से, आप लड़ेंगे तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही, बस ठीक है ठीक, आप सब सस्ती जा रही है, यहाँ निकालिए तलाश के लिए, आप जानिए आप बताइए झगड़ा होने से, आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाश कितना बड़ा फैसला होता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का।